10 जून और 11 जून को झारखंड बंद का ऐलान। नियोजन नीति को लेकर छात्र संगठनों ने किया झारखंड बंद का ऐलान। छात्रों के ऐलान के बाद प्रदेश का सियासी पारा हुआ हाई। रांची में कैलाशपति मिश्र की प्रतिमा लगाने का विरोध। एचयूसी गेट के पास झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा ने किया विरोध। आज अबुआ दिशु मबुआ राज की परिकल्पना भगवान बिरसा मुंडा ने की थी, लेकिन अबुआ दिशु मबुआ राज की बात यहाँ नहीं हो रही है। यहाँ पर बिरसा मुंडा ने भी कहा कि शोषण और जुल्म के खिलाफ तीर उठाओ और लड़ो। हम लोग भी आज तीर धनुष उठा के अबुआ दिशु मबुआ राज के लिए यहाँ पर आए हैं। क्या मामला है? हम लोग का मामला है कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, 18 जनवरी 2013 का डिसीजन है कि कहीं भी चौक चौराहे पे स्टैचू नहीं लगाया जा सकता है। पलामू में राज्यपाल ने धनबाद रेल हादसे में मरने वाले दो श्रमिक के परिजनों को दिया मुआवजा। 29 मई को धनबाद के निचितपुर रेल फाटक के पास हाई टेंशन तार की चपेट में आने से हुई थी श्रमिकों की मौत। एक दिवसीय दौरे पर गढ़वा पहुंचे झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने रमकंडा में आयोजित जनता के साथ संवाद में हुए शामिल। एक दिवसीय दौरे पर रमकंडा पहुंचे राज्यपाल। रांची में मनाई गई भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि। जेएमएम अध्यक्ष शिबु सोरेन ने की भगवान बिरसा मुंडा की समाधि पर पुष्प अर्पित। पाकुड़ में बिरसा मुंडा की 123वीं पुण्यतिथि पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भी दी श्रद्धांजलि। कार्यक्रम में लोगों से बिरसा मुंडा के संदेश को अपनाने की दी सलाह। आज भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि। समीर उरांव ने भगवान बिरसा की समाधि स्थल पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समीर उरांव। भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर मंत्री आलमगीर आलम ने भी अर्पित की श्रद्धांजलि। मंत्री आलमगीर आलम ने कहा भगवान बिरसा ने देश हित के लिए किया था आंदोलन। कि भगवान बिरसा जी ने इस धरती में सामाजिक राजनीतिक और शोषण मुक्त राज बनाने के लिए वो इंग्रेजी से पंगा लिए थे और उन्होंने 2019 शताब्दी के अंत में जो लड़ाई शुरू की थी वो लगातार लड़ाई चलते रहा। 3 जून 1900 साल में उनका एक गिरफ्तारी हुई और उनके थोड़ा मैंने जहर जो स्लो पॉइजन कहा जाता है उसे करके उनका मौत 9 जून को हुई। आज पुण्यतिथि है। भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने भी दी श्रद्धांजलि। कहा भगवान आजादी चाहते थे, आज आजादी बचाने की जिम्मेदारी हमारी। ये आज भगवान बिरसा मुंडा जी की पुण्यतिथि है और इस अवसर पर हम संकल्प लेते हैं जो उनके सपने थे उनको साकार करने में हम लोग लगे हैं और पूरी तरह से साकार करने के लिए कृत संकल्प हैं और यही इसी भावना के साथ हम गाँव ग्राम में जा करके जिन मुद्दों को लेकर के वो आगे बढ़े थे और सबसे बड़ी बात वो आज़ादी चाहते थे और आज समय आ गया है जब आज़ादी को बचाने की ज़रूरत है। तो इन्होंने देश आज़ाद कराया था, देश बचाने की जिम्मेदारी हमारी है, उसका निर्वहन करने के लिए हम लोग यहाँ संकल्प लेते हैं। आज हमने संकल्प लिया। भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। बिरसा चौक समाधि स्थल पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने माल्यार्पण किया। भगवान बिरसा मुंडा के बारे में ये कोई परिचय के मोहताज नहीं, आज उनके सम्मान पर पूरे राज्य में पूरे देश में जहाँ जहाँ आदिवासी समाज है आज इनके चरणों पर माल्यार्पण करते हैं और हमें गौरव है कि ऐसे वीर सपूत हमारे बीच हैं। से निकले जिनकी पीछे आज भी और आने वाला लंबे समय तक जिनके सोच विचार को हम सेना जमीन घोटाले में ईडी का शिकंजा। अमित अग्रवाल और दिलीप घोष से अब 72 घंटे ईडी कर सकेगी पूछताछ। विशेष अदालत ने दी अनुमति। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का विवादित बयान। ओसामा बिन लादेन से की कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तुलना। कहा दाढ़ी बढ़ाकर पीएम बनने का सपना देख रहे हैं राहुल। एक तरफ राहुल गांधी है, राहुल गांधी आजकल ओसामा बिन लादेन के तरह दाढ़ी वाड़ी बढ़ाकर वो जो है दाढ़ी बढ़ाकर सोच रहे कि कहीं मोदी जी के तरह प्रधानमंत्री हो जाए। अरे तो दाढ़ी तो पूरा पक जाएगा तब ना आपका कुछ उपाय होगा। अभी तक तो राजनीतिक तौर पर
50 साल का हम लोग राहुल गांधी को बच्चा मानते, 50 साल। अब जो आदमी 50 साल का हो उसको राजनीतिक बुद्धि नहीं हो तो अब इससे आगे हम लोग क्या कर सकते। पटना में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने पार्टी कार्यालय से हिंदी भवन तक निकाला जन सत्याग्रह मार्च, भाजपा हटाओ देश बचाओ के नारे लगाए। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग उठाई, कहा पीएम आ रहे हैं तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दें। कोई भी आ सकता है, कोई भी कहीं जा सकता है, और देश के प्रधानमंत्री है तो क्यों नहीं आएंगे, वो आए आए तो कम से कम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा तो देने की घोषणा कर दे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, बिहार को विशेष पैकेज देंगे। असल बात यह है कि 2024 का लोग डरे हुए हैं, आप इतना बार गिन लीजिए ना कितना बार तो अमित शाह आ गए, इतना कम दिन आज तक ही लोग आए। पटना में तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, कहा बिहार में नीतीश रोकेंगे पीएम का विजय रथ, पीएम ने नहीं पूरे किए एक भी वादे। तेजस्वी यादव के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह का पलटवार, कहा लालू जी ने आडवाणी का रथ रोका था तो देश को राम मंदिर मिला और अब किस रथ को रोकने की बात कर रहे। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को महाबैठक का नहीं मिला न्योता, मांझी ने खुद दी जानकारी, 23 जून को पटना में होगी विपक्षी दलों की बैठक। आप लोग का मामला है, आप लोग ऐसा बोलते हैं, हम गठबंधन महागठबंधन में हैं और नीतीश कुमार के साथ हैं, बहुत मजबूती के साथ थे और आज भी मजबूती के साथ हैं। 23 जून को विपक्षी बैठक होनी है, क्या आपको निमंत्रण मिला है? अरे एक ही चीज को 25 बार क्यों बोलते हो यार सब लोग, आप जाइएगा, आपको निमंत्रण मिला सर, चलिए ठीक है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला, कहा बिहार के मुख्यमंत्री इंजीनियर हैं लेकिन बिहार में इंजीनियरिंग फेल। तो हमारा ड्रीम रहा, मैं यहाँ पहले पीपा पुल बनाना चाहता था और बाद के कालखंड में 2012 से मैंने इसकी शुरुआत की और यहाँ एक फुल स्ट्रक्चर्ड पुल बनाने का सपना देखा। 2014 में इसको स्वीकृति दिलाकर शिलान्यास कराया। मैं क्या जानता था कि एक इंजीनियर मुख्यमंत्री बिहार में हो और पूरा इंजीनियरिंग ही फेल हो गया हो, भागलपुर और खगड़िया को जोड़ने वाला ये पुल बन रहा है। लेकिन ये जो विकास मॉडल है नीतीश कुमार जी का, ये भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया। पटना में आरजेडी नेता ने बीजेपी पर लगाया उन्माद फैलाने का आरोप, कहा 24 में केंद्र में बीजेपी का होगा सफाया, पुल टूटने पर बीजेपी से की माफी की मांग। कितना परसेंट वोट बच गया है? 43 पार्टियों के सहयोग से ये 42% मत प्राप्त किए देश में और सब ट्रस्ट अलायंस इनको छोड़ दिया। अब 25-22% वोट भी है रो तो छरने हो रहा है, क्या वोट है? उन्मादी पार्टियों को वोट देना चाहता है जी? 15 लाख लोग भूल गया, 2 करोड़ रोजगार भूल गया। बांग्लादेशियों पर सम्राट चौधरी के बयान को बीजेपी प्रवक्ता ने सही ठहराया, कहा बिहार में बीजेपी की सरकार बनेगी तो बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकाला जाएगा। हिंदुस्तान में बांग्लादेशियों का क्या काम है? हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने ठीक ही तो कहा है कि भाजपा की सरकार बनेगी तो सारे बांग्लादेशियों को बिहार से बाहर भगाया जाएगा। इस देश के विकास में एक एक हिंदुस्तानियों के टैक्स का पैसा लगा है जिससे एक एक हिंदुस्तानियों का विकास होता है, उन्हें शिक्षा की सुविधा, स्वास्थ्य की सुविधा, हर प्रकार की सुविधा दी जाती है, तो इस सुविधा के हकदार दूसरे देश के लोग क्यों? बीजेपी नेता सम्राट चौधरी पर उमेश कुशवाहा ने साधा निशाना, कहा बीजेपी नेता भूल गए कि भाषा की मर्यादा क्या है, राज्य सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाने वालों को 24 में मिलेगा जवाब। दारोगा मनीष यादव पर फायरिंग की एसआईटी जांच की मांग, जाप नेता पप्पू यादव ने की मांग, पूरे मामले में साजिश का लगाया आरोप। सबसे ज्यादा पीडब्ल्यूडी 17 साल तो आप ही के अंडर में था और जब पहली बार पुल टूटा था तब आप ही के ना मिनिस्टर थे, तो आप ब्लैक लिस्टेड क्यों नहीं किए? एक दूसरा चीज, पूरे भारत में सिंगला कंपनी को 34 जगह पर टेंडर मिला हुआ है और 9 स्टेट उसको ब्लैक लिस्टेड किया हुआ है। तो मोदी जी का सबसे जो विराट गुजरात का पुल है जिसको कि उसको हेरिटेज बनाया गया है,
सिग्नेचरपुर वो सिंगला को मोदी जी ने क्यों दिया। पटना में लालू यादव के 76वें जन्मदिन की जोरदार तैयारियां चल रही है। 11 जून को न्याय एवं सद्भावना दिवस के रूप में लालू यादव का जन्मदिन मनाएगी आरजेडी। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने कहा, देश में विकास की बह रही गंगा। बगहा में मिड डे मील खाने के बाद 150 बच्चे के बीमार मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान। बिहार के मुख्य सचिव को भेजा नोटिस, अधिकारियों से पूछा कहां हुई चूक, सरकार अवगत कराए, 4 सप्ताह में दे जवाब। नालंदा में गंगा नदी में मिला बस मालिक के बेटे का शव, आकर्ष का गंगा नदी में हाथ पैर बंधा शव बरामद, 9 दिन से लापता था विष्णु रथ के बस मालिक का बेटा आकर्ष। गोड्डा में किडनैप हुए कॉलेज प्रिंसिपल का शव मिला, मौलाना अबुल कलाम आजाद डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल का शव, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। के बारे में हमको वहाँ जानकारी नहीं है, उन दोनों में जो कवरेज के मुताबिक वो चलता ही रहता था, तो जो सब कोई जानता है, लेकिन हम इस बारे में हम कभी कोई दिलचस्पी नहीं दिया। अच्छा, अच्छा। ना कह रहा है, हमको कोई जानकारी उसके बारे में। वैशाली के करताहा में 15 साल की लड़की की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। छेड़खानी का विरोध करने पर मनचलों ने लड़की को बेरहमी से पीटा। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस जांच में जुटी। जमुई में शादी समारोह में लहराया गया तमंचा, नाच गाने के दौरान युवकों ने लहराया हथियार, वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी युवक गिरफ्तार। गिरिडीह में बीच सड़क हाई वोल्टेज ड्रामा, पत्नी ने कर दी पति की पिटाई, नगर थाने की पुलिस ने मामला शांत कराया। नालंदा में छेड़खानी की शिकायत करने पर मारपीट, आरोपियों ने की ग्रामीणों की पिटाई, मारपीट में कई लोग घायल। चतरा में कठौतिया कंस्ट्रक्शन कंपनी पर गोलीबारी मामले में कार्रवाई, पुलिस ने एक उग्रवादी को किया गिरफ्तार, उग्रवादी गणपत गंजू को गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ में जुटी पुलिस। कटिहार में स्क्रैप व्यवसाय से रंगदारी की मांग, पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया, घर में घुसकर मांगी गई थी 20,000 की रंगदारी। बगहा में 72 लीटर शराब के साथ 3 धंधेबाज गिरफ्तार, रमन में करने की थी योजना, गुप्त सूचना पर हुई कार्रवाई। पूर्णिया में बाइक सवार की गोली मारकर हत्या, बारात जा रहे व्यक्ति को बदमाशों ने मारी गोली, अकबरपुर ओपी के बहादुरपुर जमहेरा रोड की वारदात, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शुरू की जांच। दरभंगा DMCH में नाले में तैरता मिला नवजात का शव, गायनिक विभाग के सामने मिला शव, मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। चतरा में पुलिस को मिली सफलता, पुलिस ने 4 ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया, 4 किलो अफीम, 2 किलो डोडा बरामद। बोकारो के दुग्धा थाना क्षेत्र में बदमाशों ने युवक को मारी गोली, वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश फरार, अब घायल को इलाज के लिए रिम्स में कराया गया भर्ती। भागलपुर में बदमाशों ने युवक को मारी गोली, घायल युवक को मायागंज अस्पताल में कराया गया भर्ती। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के दरगोरी मोड़ की वारदात। बाढ़ अनुमंडल के बख्तियारपुर में ई रिक्शा पर ट्रक पलटने से 2 युवकों की मौत, 3 लोगों की मौत, 12 घायल। हादसे के बाद सभी घायलों को PHC में कराया गया भर्ती। धनबाद में अवैध खनन के दौरान हुआ बड़ा हादसा, करीब 12 लोग मलबे में दबे, सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। नालंदा के भागनबिगा थाना क्षेत्र में हादसा, तेज रफ्तार बोलेरो और सरकारी बस की टक्कर, 5 लोग गंभीर रूप से घायल, सभी अस्पताल में भर्ती। सुपौल के सदर प्रखंड में करंट की चपेट में आने से दिव्यांग की मौत, युवक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल, मृतक की पहचान शंकर मुखिया के रूप में हुई। सहरसा के सदर थाना क्षेत्र में कपड़ा दुकान में लगी आग, आग लगने से मची अफरा तफरी। बेतिया के नौतन में स्वच्छता को लेकर चलाया गया जागरूकता अभियान, ग्रामीणों को किया गया जागरूक, कचरा उठाने और प्रबंधन में दिखाई गई हरी झंडी। सुपौल के पीपरा में किसान सलाहकारों की मांग है कि कई मांगों को लेकर जनसेवक में समायोजन, बीमा और पेंशन समेत कई मांगों को लेकर प्रदर्शन। सरायकेला में 12 साल में नहीं बन सका 500 बेड का अस्पताल, 152 करोड़ की हो चुकी है निकासी, संवेदक को 2 साल में करना था काम पूरा। गया नगर निगम के वार्ड नंबर 15 और 26 में उपचुनाव संपन्न, मतदान में दिखा उत्साह, 11 जून को नतीजों की गिनती। बेटा के मनेर में नगर परिषद चुनाव के दौरान हंगामा, कई बूथों पर कार्यकर्ताओं के बीच हुई बहस, शांति बहाली के लिए SDM ने किया निरीक्षण।
भागलपुर में सबसे बड़े अस्पताल मायागंज में पानी की किल्लत से परेशान मरीज, बाहर से पानी खरीद रहे हैं मरीज के परिजन। नवादा में नए साइबर थाने का उद्घाटन, एसपी अंबरीश राहुल ने फीता काट कर किया शुभारंभ। साइबर क्राइम से जुड़े मामलों में कई टेक्निकल सेल को भी किया गया है सक्रिय। सुपौल में नए साइबर थाने का शुभारंभ, एसपी ने विधिवत फीता काट कर किया उद्घाटन। सदर एसडीपीओ इंद्र कुमार प्रकाश होंगे पहले थानाध्यक्ष। बेगूसराय में भी साइबर थाने की शुरुआत, डीआईजी बाबूराम ने फीता काट कर किया उद्घाटन। साइबर अपराध के मामलों पर लगेगी रोक। सीतामढ़ी में साइबर थाने का शुभारंभ, एसपी मनोज कुमार तिवारी ने फीता काट कर किया उद्घाटन। साइबर थाने से लोगों को होगा फायदा। पूर्णिया में भी साइबर थाने का उद्घाटन, आईजी सुरेश चौधरी और एसपी अमित जावेद ने साइबर थाने का किया शुभारंभ। पटना जंक्शन पर साइबर थाने का उद्घाटन, रेल एसपी अमरतेंदु ने किया, रेल डीएसपी मुख्यालय सुशांत कुमार चंचल को मिली जिम्मेवारी। जमशेदपुर के गोलमुरी पुलिस लाइन में सीएलपी कॉमन लेक्चर पॉइंट का उद्घाटन पर प्रभात कुमार ने फीता काट कर किया। गोपालगंज में खुला जिले का पहला साइबर फीता काट कर थाने का एसपी ने किया उद्घाटन। साइबर थाने से पूरे जिले के लोगों को फायदा। दरभंगा में खुला जिले का पहला साइबर थाना, एसपी अवकाश कुमार ने किया उद्घाटन। अमरनाथ यात्रा पर आतंकी हमले का खतरा, खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट, नाबालिग आतंकी कर सकते हैं हमला। देश भर में कहीं भी छिपे हो सकते हैं छोटे समूह में ये नाबालिग आतंकी, सीरिया और अफगानिस्तान में मौजूद हैंडलर्स के संपर्क में रहते हैं सभी। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा पर गृह मंत्रालय का हाई लेवल मीटिंग, एलजी मनोज सिन्हा समेत तमाम आला अधिकारी रहे मौजूद। महिला पहलवानों के यौन शोषण का मामला, रिक्रिएशन के लिए ब्रजभूषण शरण के घर पहुंची पुलिस, साथ में मौजूद है महिला पहलवान। रेफरी जगबीर सिंह ने बढ़ाई ब्रजभूषण की मुश्किल, ने जगबीर सिंह ने कहा मैंने ब्रजभूषण को लड़की को टच करते देखा था। जगबीर सिंह बोले दिल्ली पुलिस ने मुझे भी भेजा था नोटिस, मैंने दी है अपनी गवाही। पहलवानों के आरोप पर ब्रजभूषण का सामने आया एक और बयान, सरकार ने 15 जून तक चार्जशीट दाखिल करने का दिया है आश्वासन। सोनाली पोगाट की बेटी ने पीएम मोदी से लगाई न्याय की गुहार, पीएम और गृह मंत्रालय से जल्द कार्रवाई को कहा। महाराष्ट्र में शरद पवार और संजय राउत को जान से मारने की धमकी, पुलिस कमिश्नर से मिली सुप्रिया सुले एक्शन की मांग। निलेश राणे के बयान को लेकर पुलिस कमिश्नर से मिली सुप्रिया सुले, मामला दर्ज करने की मांग, शरद पवार की औरंगजेब से की गई थी तुलना। मुंबई में सड़क पर उतरे एनसीपी कार्यकर्ता, निलेश राणे के बयान के खिलाफ किया प्रदर्शन, पुलिस ने कार्यकर्ताओं को लिया हिरासत में। महाराष्ट्र में औरंगजेब विवाद पर भड़के ओवैसी, डिप्टी सीएम फडणवीस पर साधा निशाना, पूछा आईपीसी की किस धारा में फोटो रखना जुर्म है। कोल्हापुर हिंसा में अब तक 51 लोगों की गिरफ्तारी, 41 लोगों को मिली जमानत, इंटरनेट सेवा फिलहाल बंद। कोल्हापुर हिंसा पर बोले संजय राउत, कहा सियासत के लिए औरंगजेब को कब्र से निकाला जा रहा। कोल्हापुर हिंसा पर बोले असदुद्दीन ओवैसी, कहा महाराष्ट्र में मुसलमानों को बदनाम कर रही है बीजेपी की सरकार। एमपी के गंगा जमुना स्कूल पोस्टर वाले घटना पर ओवैसी ने कहा मुसलमानों को बदनाम करना मकसद, मुसलमानों के हिस्से में सिर्फ नफरत। ओवैसी के बयान पर नरोत्तम मिश्रा ने किया पलटवार, कहा ओवैसी कहते हैं जातिगत राजनीति। दिल्ली बीजेपी के नए दफ्तर की भूमि पूजन में जेपी नड्डा हुए शामिल, विधि विधान से हुई पूजा पाठ। पंडोखर सरकार का बाबा बागेश्वर को खुला चैलेंज, बोले ऐसे लोग सनातन धर्म पर धब्बा, लिखूंगा किताब। राहुल गांधी के मोहब्बत की दुकान वाले बयान पर प्रकृति स्मृति ईरानी का पलटवार, सिख दंगे पर उठाए सवाल। मुंबरा का एक और पोस्टर विवादों में, उर्दू में लगाया गया है पोस्टर, लिखा अपनी मुस्लिम लड़कियों पर नजर रखें, वो दूसरे धर्म से दोस्ती ना करें। मुंबई के मीरा रोड मर्डर केस में बड़ा खुलासा, आरोपी का कबूलनामा, खुद को गंभीर बीमारी से पीड़ित बताया, कहा महिला की बेटी की तरह मानता था।
आरोपी के मुताबिक 3 जून को महिला ने की थी आत्महत्या, खुद को बचाने के लिए शव को टुकड़े में किया। लखनऊ कोर्ट में जीवा हत्याकांड का होगा रिक्रिएशन, शाम 6 बजे सीन होगा रिक्रिएट, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी रहेंगे मौजूद। लखनऊ में गैंगस्टर जीवा हत्याकांड को लेकर बड़ा खुलासा, अतीक अशरफ गैंग से जुड़े शूटर विजय के तार, पूछताछ के दौरान शूटर विजय ने किया खुलासा। सूत्रों का दावा, नेपाल में अशरफ से मिला था शूटर विजय, जेल में अशरफ के दोस्त अतीक को परेशान करता था संजीव जीवा। कई दिन पहले रची गई थी जीवा की हत्या की साजिश, 3 और 5 जून को भी कोर्ट पहुंचा था आरोपी विजय। जीवा को पिछली पेशी के दौरान भी कचहरी में संजीव जीवा हत्याकांड में कोर्ट में तैनात 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड, लखनऊ कोर्ट में हुई थी गैंगस्टर जीवा की हत्या। कोर्ट में मर्डर पर बोले असदुद्दीन ओवैसी, कहा मैं बता रहा हूं एनकाउंटर की पॉलिसी गलत है। बालासोर हादसे के बाद सरकारी स्कूल में जाने से डर रहे बच्चे, स्कूल में रखा गया था मुर्दों को। दिल्ली की वैशाली कॉलोनी के चिल्ड्रन अंधविश्वास से दूर रहने की सलाह। दिल्ली की वैशाली कॉलोनी के चिल्ड्रन हॉस्पिटल में लगी भीषण आग, लोगों में मचा हड़कंप, 20 बच्चों को सुरक्षित निकाला गया। रायपुर में कॉम्प्लेक्स में लगी आग, बंद बैंक से निकली आग की लपटें, हादसे की वजह स्पष्ट नहीं। झांसी में तेज रफ्तार का कहर, योग कर रहे लोगों को ट्रक ने रौंदा, 3 की मौत, कई युवक घायल। एमपी के कटनी में दर्दनाक हादसा, 12 से भरी बस में दौड़ा करंट, 1 की मौत, 3 घायल। एमपी के दतिया में युवक ने बाइक पर पेट्रोल डालकर लगाई आग, सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। पाकिस्तान में हिंदू लड़कियों के साथ जुल्म, 14 साल की लड़की और उसकी मां के सामने ही अपहरण, परिवार ने मदद की लगाई गुहार। इसराइल के नाजरेथ शहर में गोलीबारी में 5 लोगों की मौत, फायरिंग के बाद इलाके में दहशत, हमलावरों की तलाश में जुटी पुलिस। चीन और रूस की एयरफोर्स ने की ज्वाइंट पेट्रोलिंग, कई लड़ाकू विमानों के साथ रूसी और चीनी H-6K बम वर्षक विमानों ने संयुक्त अभ्यास किया।